भारत की अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों की वजह से कानूनी मामलों पर रिसर्च करने के पारंपरिक तरीके अब कारगर नहीं रह गए हैं। LexLegis.ai का आस्क फीचर इस प्लेटफॉर्म का सबसे अहम घटक है, जो कानूनी मामलों का कुछ ही सेकंड में सटीक उत्तर प्रदान करता है और इस तरह रिसर्च में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। AI पर आधारित ये टूल अधिवक्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाने, अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय निकालने तथा कानूनी व्यवस्था पर असर डालने वाली अक्षमताओं को दूर करने के लिए तैयार है। LexLegis.ai देश में लीगल टेक सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने को लेकर लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के लॉन्च की घोषणा करी गई, जिसे विशेष रूप से लीगल टेक क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। यह AI टूल अपने आप में बेमिसाल है, जो कि सटीकता और विश्वसनीयता के साथ कानूनी मामलों पर रिसर्च में जबरदस्त बदलाव लाने के लिए दावा किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म हर प्रकार के मुद्दे से संबंधित विशिष्ट निर्णय और सटीक संदर्भ प्रदान करके कानूनी पेशे से जुड़े लोगों की मदद करता है, जिससे बड़े पैमाने पर मौजूद केस दस्तावेजों को मैनुअल तरीके से एक जगह इकट्ठा करने में भारतीय अदालतों में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। बताया जाता है कि फिलहाल भारत की न्यायिक व्यवस्था में 44.9 मिलियन से अधिक मामले लंबित हैं और LexLegis.ai इसी समस्या के समाधान की पेशकश करता है, जो बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाला है। ये प्लेटफॉर्म एडवांस्ड एल्गोरिदम की मदद से कानूनी मामलों पर रिसर्च की प्रक्रिया को गति देता है, जिससे हफ्तों के काम को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है। LexLegis.ai विविध कानूनी क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मामलों से जुड़े दस्तावेजों के विशाल भंडार पर आधारित है, जो अधिवक्ताओं, वकीलों एवं कानूनी टीमों को कानूनी परिदृश्य की जटिलताओं से अधिक कुशल तरीके से निपटने में सक्षम बनाता है। AI की क्षमताएं रिसर्च के दायरे से भी आगे तक फैली हुई हैं। ये कानूनी दस्तावेजों को स्कैन करके उनका विश्लेषण कर सकता है, मामले से संबंधित जानकारी का पता लगा सकता है और इसमें भिन्नता की पहचान कर सकता है। इस प्रकार मैनुअल तरीके से हर दस्तावेज पर गौर करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। LexLegis.ai एक बहुउपयोगी टूल है, जिसे कानूनी कंपनियों, सरकारी विभागों, कॉर्पोरेट कानूनी टीमों, SMEs तथा कानूनी पेशे से जुड़े लोगों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। लॉन्च के मौके पर LexLegis.ai के संस्थापक एवं CEO साकार एस यादव से टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने विशेष बातचीत कर जानने का प्रयास किया, LexLegis.ai को न्यायपालिका और कानूनी पेशे से जुड़े लोगों को AI संचालित टूल्स किस प्रकार मददगार है, देखिए हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में। सर, सबसे पहले आपका नाम लेना चाहेंगे और आज का जो है कि आपने जो वेबसाइट पे लॉन्च किया उसके बारे में। मेरा नाम साकार यादव है, मैं LexLegis.ai का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। आज हम लोग आस्क मॉडल LexLegis का लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग LexLegis में 3 मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, उसमें से एक है आस्क, एक है इंटरैक्ट और एक है ड्राफ्ट। हम इसे लीगल एड कहते हैं। तो आस्क जो है उसे आप लीगल रिसर्च कर सकते हैं, इंटरैक्ट में आप डॉक्यूमेंट समराइजेशन, डॉक्यूमेंट इंटरैक्शन कर सकते हैं और ड्राफ्ट में आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो सर, ये जो है कि किन लोगों के लिए है, लीगल जो एडवोकेट के लिए या ये सारे लीगल फ्रैटर्निटी के लिए है, लॉ फर्म्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, MSME, SME, इंडिविजुअल्स। हम लोग अभी खास करके बड़े लॉ फर्म्स, कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स एंड बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए लॉन्च कर रहे हैं। इसको बनाने में कितना टाइम लगा? डेटाबेस बनाने में तो करीबन हम लोग पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। AI तो एक सरप्राइज आया जिस पे हम काम करना शुरू किए। AI पे हम लोग करीबन पिछले 14 महीने से काम कर रहे हैं। इंस्पायरिंग को लेकर बात करी जाए तो आपको इंस्पायर कहाँ से? मेरे पिताजी इसके इंस्पिरेशन हैं। अब तो वो नहीं है, लेकिन काफ़ी पहले से ही वो ये बताते थे कि इसमें तो इतना काम है कि आप ज़िंदगी भर भी काम करेंगे तो शायद आप एक बाल्टी पानी भी निकाल नहीं पाएंगे, इतना बड़ा समुद्र है। तो और काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी चैलेंजेस हैं और उद्देश्य वो दे दिए हैं तो हम लोग काम कर रहे हैं। और भी काफ़ी सारे ऐप हैं वेबसाइट सर्च करने की, तो आपकी किस तरह डिफरेंट रहे हैं? जैसे कि है, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, हम आपको जवाब देते हैं। अंतर यही है कि आपको अगर वहाँ पे मैं 100 डॉक्यूमेंट्स दे दूँ, एक एक को आप खोलेंगे, उसमें से आप मतलब निकालेंगे, हम कुछ सेकंड में उन सब से हम मतलब निकाल के आपको हम उसका जवाब देते हैं। यही अंतर है मेनली। अच्छा, सब्सक्रिप्शन को लेकर क्या रहने वाला है थोड़ा? हम लोग अभी प्राइस डिस्कवरी मोड में हैं। हम लोग अभी अपने कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, प्राइजेस काफ़ी हाई हैं अभी तो हम लोग सबके लिए खोल नहीं सकते हैं। आने वाले समय में हम लोग ये सबके लिए खोलेंगे। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे हार्डवेयर और सबके कॉस्ट भी गिरने शुरू करेंगे ही कुछ ना कुछ दिनों में। तो जैसे होगा हम लोग सबके लिए खोल पाएंगे। ये अभी हम लोग प्राइस डिस्कवरी मोड में, जहां हम खोज रहे हैं कि कैसा है, हम अपने कंज्यूमर से बात करके खोज रहे हैं प्राइसिंग। अच्छा
अच्छा साइबर अटैक का भी खतरा रहता है, तो किस तरह से सुरक्षा रहेगी अगर मान लो सब्सक्रिप्शन काफ़ी लोग ले लेंगे तो क्या साइबर अटैक को लेकर क्या आपकी? साइबर अटैक का खतरा एकदम सही बात है और इस पर हम लोग तैनात हैं और हमारे लोग तैनात हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता हम कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग निश्चिंत होकर सोइए आप लोग और हमारे सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। सर इसमें जैसे कि करंट का भी रहेगा या ऑर्डर्स रहेंगे या मतलब बैक कितने ईयर पहले तक, मतलब आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको 15 दिन पहले वाले सारे चीज़ मिलने चाहिए जो जो लॉज हम लॉन्च करेंगे। जो इसमें दो जैसे अभी लेटेस्ट भी है और पहले भी है, तो क्या वो भी रहेंगे या सारे रहेंगे? अभी जैसे मतलब पिछले कई दशकों से सारे चीज़ रहेंगे जो आपको आपके लीगल रिसर्च का जवाब ढूंढने में आपको मदद करेंगे। लीगल जो है कि टैक्स का रहेगा या अदर के भी? हम लोग पहले टैक्स से लॉन्च कर रहे हैं, फिर हम लोग GST लॉन्च कर रहे हैं, फिर बाकी लॉज और कॉर्पोरेट लॉज भी लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, टेंटेटिव अगर आप कुछ बताना चाहें सब्सक्रिप्शन को लेकर अभी कोई ऐसा प्राइसिंग हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पाए, तो छुपाने की कोई बात नहीं, हमें तो खुशी होगी बताने में, लेकिन हम लोग अभी कंज्यूमर्स के पास के लिए हम लोग छोड़े हुए हैं, वो हम इस पर हम लोग दिशा दिखाएंगे। धन्यवाद। बता दें कि LexLegis ने उच्च गुणवत्ता वाले आई टूल की पेशकश करके एक नई शुरुआत करी है। यकीनन वे नॉलेज इंडस्ट्री के लिए भविष्य में अच्छा साबित होगा, ऐसी उम्मीद करे जा रही है। कानूनी प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित करेगी, जिससे इस पेशे से जुड़े लोगों के समय की बचत होगी और सटीकता में सुधार होगा। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।